यूपी के बुलंदशहर में दहेज लोभियों ने 5 लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी। पिंकी के परिजनों की माने तो पिंकी के ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फिलहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। क्या घटना हुई थी आपकी? घटना ये हुई कि हम वहाँ से मैसेज मिला कि आपकी लड़की खत्म हो गई। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उनके घर में तो हमें कोई मिला नहीं। लड़की वो बेड पे ही लेटी थी, फांसी का रूप बनाया पर मारते मारते उसको मार डाला। किस लिए मार दिया? दहेज के लिए। पहले भी वो दहेज की मांग करते रहे थे? उन्होंने तो कई बार मांग की। बच्ची होने के पहले भी उन्होंने 1 लाख रुपए लिए। अभी 1 साल पहले उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए। उनका 5 लाख रुपए मांग रहे थे कि और हमें तो धंधा करना है। आपने पुलिस में तहरीर दी? ऐसे ही समझौता पहले हो गया था, जब ऐसा था चलो जो होगा बच्चे अपने दे दिया जाए, काम चल रहा है। पर उन लोगों को तो लालच बढ़ता रहा, कोई सोचता थोड़ी कि हमारा बच्चा दुखी है। आप पुलिस में तहरीर दिए? हाँ। कितने लोगों के? अब तो हमने दे दिया, वो 4 देवर, वो 4 लड़के उनके और सास ससुर। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है? अभी तक तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। कर्कूर थाना एरिया में ये कंप्लेंट आया हम लोग का, मतलब हैंगिंग पोजीशन में महिला का बॉडी मिला, बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला का परिवार महिला का हत्या का कंप्लेंट दे दिया, हम ऐसे डाउरी डेथ में मुकदमा लिखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे करके रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई करें। थमा नहीं है जिला बुलंदशहर में अभी महिलाओं की हत्या का सफर, फिर दहेज लोभी लालची ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर एक विवाहिता को उतारा मौत के घाट। कैमरामैन हारून सेफी के साथ रिजवान अंसारी, CMN न्यूज़ बुलंदशहर।